हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जब थी तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन नहीं हुआ था। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी और मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होने की जगह कम भी हो सकता है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस पूरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका वेट प्रेगनेंसी से पहले, अगर आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं या फिर नॉर्मल वेट है आपका, तो प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन आपको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ बताती हूँ। तो प्रेगनेंसी में अगर मैं ट्राइमेस्टर वाइज बात करूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिसके कारण लोग वेट गेन करने की जगह वेट लूज कर लेते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो वेट लूज हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी मॉर्निंग सिकनेस होगी, आपको जो चीज़ पसंद है वो खाने की कोशिश करोगे, आप खा नहीं पाओगे, आपको तुरंत वॉमिटिंग होगी, तो इसके कारण वेट लूज हो जाता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन नहीं भी हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, और जैसे किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो वो वेट गेन भी कर लेता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है। जो मेन वेट गेन होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं, अपने वेट गेन को बेबी के हेल्थ से कंपेयर करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब बेबी की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, बेबी का वेट अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में आपको एक कैलकुलेटेड वे में वेट गेन करना होता है। और एक और मिथ है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके घर से और आपके आसपास के लोग सब बोलेंगे कि अब आपको दो लोगों का खाना खाना है। ये बहुत बड़ा मिथ है, आपको दो लोगों का खाना बिल्कुल नहीं खाना होता है। बस ये है कि आप जो अपनी रेगुलर डाइट लेते हैं उसमें 300-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा एड ऑन कर लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हेल्दी कैलोरीज में ले रहे हैं या फिर अनहेल्दी वे में ले रहे हैं, क्योंकि कैलोरी तो आपको मैगी खा के भी मिलेगी और कुछ हेल्दी खा के भी मिलेगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे मैगी का नाम लिया तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, उनका सवाल होता है, इनफैक्ट दो दिन पहले ही मुझे एक कमेंट आया, पूछा उसमें कि क्या मैगी खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मैगी खाई थी, पर मैंने आटा मैगी खाई थी और मैं फोकस करती थी कि मैं हेल्दी ही खाऊँ। खैर, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतनी क्रेविंग्स होती है, कभी आपको मीठा खाने का मन करेगा, कभी कुछ स्पाइसी खाने का मन करेगा। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती थी कि घर का बना ही खाऊं और हेल्दी ही खाऊं, और जो मेरा वेट गेन भी हो वो एक हेल्दी वे में हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खा रही हूँ, जंक फूड खा रही हूँ, उससे मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं ये सोचूं कि मेरा बेबी भी हेल्दी है, ऐसा मैं नहीं करती थी। हेल्दी ही खाती थी और कभी कभी मन होता था तो मैं अपने मन को नहीं मारती थी। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी है, एंजॉय करना है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में कभी कदार खा सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया क्या खा सकते हैं। एक हेल्दी वे में आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया और दही हो गया, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्दी, आप सर्च भी करेंगे आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या खाएं, पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि आपका वेट गेन कितना होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी फ्रेंड भी प्रेग्नेंट है तो मैं सोचूं जितना वेट गेन मैंने किया है उतना उसका भी होगा, ऐसा नहीं होता है। वेट गेन जो है वो चार कैटेगरीज में होता है। नॉर्मल वेट, आपका जो प्री प्रेगनेंसी वेट है उसके अकॉर्डिंग चार कैटेगरीज होती हैं, जैसे नॉर्मल वेट, आपका अंडरवेट और ओवरवेट और ओबीज। अगर आपका जो प्री प्रेगनेंसी वेट है वो अंडरवेट है तो आपका जो वेट गेन होगा वो 12 से 18 केजी तक हो सकता है, और अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप 12 से 16 केजी तक गेन कर सकते हैं।
और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप 8 टू 10 केजी तक गेन कर सकते हैं, और अगर आप ओबीस की कैटेगरी में हैं तो आप 6 टू 10 केजी गेन कर सकते हैं। अगर और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका पहले से ही वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी में कम से कम वेट गेन हो, जो नॉर्मल रेंज में होता है उतना ही हो, जैसे कि 8 से 10 जो ओवरवेट की कैटेगरी और 6 टू 10 जो ओबीस की कैटेगरी है, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन कर लेने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मैं बात करती हूँ ये वेट गेन कहाँ हुआ है। तो अगर आप देखें तो बेबी का वेट 3 टू 3.5 केजी हो गया, प्लेसेंटा का 1 टू 1.5 केजीज हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ब्लड है वो थिन हो जाता है, फैट हो जाता है 2 टू 4 केजीज। तो इन सब को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू 14 केजीज तो ये नॉर्मल वेट गेन आ रहा है कि ये वेट आपका इतना जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है आपकी बॉडी में। और जैसे ही डिलीवरी होगी आपका 5 टू 6 केजीज जो वेट है वो तो ऐसे ही कम हो जाता है। तो क्योंकि मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में परेशान रहती थी कि अगर मैंने ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो मैं लूज़ कैसे करूँगी, लूज़ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मिक्स रिव्यूज आते हैं लोगों से अगर मैं सुनूँ तो। और आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद तो वेट कम ही नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की। और बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, वेट लूज़ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे भी टेंशन थी, तो खैर डिलीवरी के तुरंत बाद 5 टू 6 केजीज कम हो जाएगा क्योंकि आपका प्लेसेंटा निकल गया होता है, बेबी का वेट निकल गया होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और बाकी जो वेट बचा वो धीरे 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 करके आपका 3 टू 4 मंथ्स में कम हो जाता है। वैसे तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और आप प्रेगनेंसी से, प्री प्रेगनेंसी वेट भी आपका बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है सी सेक्शन डिलीवरी का, लेकिन ये एक रीज़न है कि इसके कारण भी सी सेक्शन डिलीवरीज होती हैं। प्लस आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है कि ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस फूलती है, और वेट इतना ज़्यादा, जैसे मेरा था, मैं नॉर्मल कैटेगरी में थी, मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट जो था वो नॉर्मल कैटेगरी में था, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में अचानक से वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, पूरी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो आपकी नीज पे आएगा, तो मुझे नीज में बहुत ज़्यादा पेन होता था। इनफैक्ट मॉर्निंग में जब उठती थी तो भी बहुत पेन होता था, काफ में पेन होता था, और आपको जॉइंट्स में पेन होगा। तो कोशिश करें कि आपका कैलकुलेटेड वे में ही वेट गेन हो, ज़्यादा आप वेट गेन नहीं करें। और अगर आप नॉर्मल रेंज में ही वेट गेन करेंगे तो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी सारा वेट लूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया, डिलीवरी के तुरंत बाद 5 टू 6 केजीज कम हो जाता है, और जो बाकी आपने गेन किया है वो भी धीरे धीरे 5 टू 6 मंथ्स में कम हो जाएगा। और ये वेट लूज़ करना आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी में आपको सब लोग बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश करेंगे, और आप भी कुछ अगर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो वेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको एक लिमिटेड वे में ही, कैलकुलेटेड वे में ही आपको अपना वेट गेन करना है, ताकि आसानी से आप बाद में लूज़ कर सकें। क्योंकि डिलीवरी के बाद भी जो लोग आपको प्रेगनेंसी में खिलाते हैं वो डिलीवरी के बाद भी खिलाएंगे, ये बोल के कि आपकी बॉडी रिकवर कर रही है और आपको ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलेंगे घी पियो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लड्डू खाओ। खैर लड्डू तो मैंने भी खाए थे, पर मेरा मेन फोकस था कि मुझे हेल्दी खाना है ताकि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराऊँ और मैं अपना वेट लूज़ कर सकूँ। तो खैर ये वेट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो क्या करना है। तो अगर आपका बिल्कुल वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि इससे भी कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ हो गया, लो बर्थ वेट हो गया बेबी का, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और खैर आपने ये भी नोटिस किया होगा जो प्रेग्नेंट है कि जितनी बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बीपी और वेट लिया जाता है, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जो अगर आपकी डायरी होगी या आपकी बुकलेट होगी तो उसमें फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9 मंथ तक का वेट ट्रैक किया जाता है कि आपका वेट गेन हो रहा है और नॉर्मल वे में हो रहा है
तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना चाहिए, वेट कैसे मैनेज करना है वेट गेन, और अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तब क्या करना है, तब ऑब्वियसली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खैर, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी चीज़ें हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाल फिलहाल में मेरी भी डिलीवरी हुई थी और मैंने भी ये सारी चीज़, क्योंकि मैं भी अपने वेट गेन के लिए थोड़ा कंसर्न थी, तो मैंने भी चेक किया, मैंने भी डॉक्टर से बात की थी। तो वो सब एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी डिलीवरी की स्टोरी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में क्या मिथ्स हैं, उन सब के बारे में वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिए।